दोस्तों, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एक किसी सदी का सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है, तो आप सभी के जुबान में सिर्फ S-400 का नाम आएगा। लेकिन दोस्तों, अब जो दुनिया का सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम है वो है BMD सील, जिसे भारत के DRDO ने बनाया है। भारतीय वायुसेना ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसके कारण सभी भारतवासी बहुत खुश होंगे, और जो भारत का सपना था कि अब हमें अपने हथियार खुद बनाने हैं, उसकी तरफ ये भारत का बहुत बड़ा कदम है। भारत ने पूरे देश को संदेश दे दिया है कि भारत भी अब घातक हथियारों को बना सकता है। पहले भारत की छवि हथियारों की वजह से काफी खराब थी, लेकिन अब भारत के DRDO ऐसे ऐसे हथियार को बना रहे हैं जिन्हें आगे जाके कई देश खरीदना चाहेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कई कारण बताने वाले हैं जिसके वजह से भारत का BMD सील्ड एयर डिफेंस सिस्टम सभी एयर डिफेंस सिस्टम से कई गुना घातक है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। BMD सील्ड बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से देश को बचाने के लिए भारत द्वारा एक घातक बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात करने की एक पहल है। मुख्य रूप से चीन और पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे को देखते हुए इसे शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 2 मिसाइल का निर्माण किया गया है। ऊंचाई की मिसाइल को मार गिराने के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस तथा कम ऊंचाई की मिसाइल को मार गिराने के लिए एडवांस एयर डिफेंस को विकसित किया गया है। ये दोनों मिसाइल प्रणाली 5000 किलोमीटर दूर से आ रही मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल को नवंबर 2006 तथा एडवांस एयर डिफेंस का दिसंबर 2017 में परीक्षण किया गया था। पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल के टेस्ट के साथ भारत एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करने वाला अमेरिका, रूस तथा इसराइल के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया है। इस प्रणाली का परीक्षण अभी भी चल रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत ने रूस के साथ S-400 एयर डिफेंस की डील की है, और वहीं दूसरी तरफ भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल से शहरों को बचाने के लिए अमेरिका के साथ NASAMS-2 मिसाइल सिस्टम की डील की है। लेकिन इसी दौरान भारतीय वायुसेना ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि हमें अमेरिका के NASAMS-2 एयर डिफेंस सिस्टम की कोई जरूरत नहीं है, हमें भारत के BMD सील्ड पर अधिक ध्यान देना चाहिए और इसे जल्द से जल्द भारत के शहरों की सुरक्षा के लिए तैनात करना चाहिए। BMD सील्ड 2-लेयर सुरक्षा प्रणाली से लैस है, मतलब ये भारत की 2 गुना अधिक सुरक्षा करेगा। अगर कभी युद्ध में दुश्मन देश के वायुसेना अपने लड़ाकू विमान से भारत पर हमला करने की कोशिश करते हैं, तो भारत का BMD सील्ड 2-लेयर पर हमला करेगा। अगर पहले लेयर में लड़ाकू विमान बच जाता है तो दूसरा लेयर लड़ाकू विमान और मिसाइल को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। ये ढाल 2500 किलोमीटर दूर से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल और लड़ाकू विमान को नष्ट कर सकता है। इसका दूसरा चरण एंटी बैलिस्टिक मिसाइल और वातावरण के अंदर दोनों क्षेत्रों से 5000 किलोमीटर से आने वाली मिसाइलों को आसानी से नष्ट कर सकता है। DRDO के वैज्ञानिक विजय कुमार सारस्वत जी के अनुसार BMD एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी टारगेट को 99.8% हिट करने में सफल है, मतलब दुश्मनों और दुश्मनों के हथियारों का BMD सील्ड एयर डिफेंस सिस्टम से बचना नामुमकिन है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारतीय वायुसेना सिर्फ घातक हथियारों को पूरा करने के लिए सरकार को बोलती है, क्योंकि भारतीय वायुसेना को पता है कि कौन से हथियार भारत की सुरक्षा कर सकते हैं। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि अगर भारत अमेरिका से NASAMS-2 खरीदता है तो अमेरिका को पता है कि NASAMS-2 को कैसे रोका जा सकता है। तो क्या पता शायद अमेरिका कभी भारत के दुश्मन देशों को बता दे कि NASAMS-2 को इस तरह रोका जा सकता है, तो वो भारत के लिए काफी बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए भारत को खुद का ही बनाया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, मेरे ख्याल से भारत सरकार को भारतीय वायुसेना की बात माननी चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोफीरिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।